निवासी मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम गांधीधाम गुजरात में हैं और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक बड़ा प्रोग्राम, राज्य स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, सामाजिक बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। 30 जून को कार्यक्रम होगा। 30 जून के कार्यक्रम के पहले यहाँ पर हम इस मैदान पर जायज़ा लेने आए हैं। ये जो मैदान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मैदान है, जहाँ पर जो संगठन में, बामसेप संगठन में तोड़फोड़ करने वाले लोग यहीं के आजू बाजू रहते हैं। एक उसमें भांजी राठौड़ है, हमारे बाजू में उनका मकान है, और उसके सामने जो VL मातंग जी है, बामसेप के प्रचारक थे, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने संगठन में तोड़फोड़ की और बड़े पैमाने पर संगठन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मगर वो असफल रहे। फिर भी हम यहाँ पर प्रोग्राम ले रहे हैं, और प्रोग्राम ना हो इसके लिए भी उन्होंने बड़े पैमाने में कोशिश की, और माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से कच्छ के संगठन के द्वारा प्रशासन पे प्रेशर किया गया, भाजपा के विधायक के द्वारा प्रशासन पे विधायक प्रेशर किया गया, कहा गया कि इन्हें अनुमति नहीं दिया जाए। तो आज हम इस ग्राउंड पर प्रोग्राम लेने वाले हैं, और ये प्रोग्राम 30 जून को होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा। और इस दरमियान हमारे जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उनसे हम कुछ बात करेंगे कि प्रोग्राम के बारे में जानकारी करेंगे। मेश्राम जी, आपका जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या कहना है? ये प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम है, और गद्धारों में सबसे बड़ा गद्धार जो है वही ग्राउंड के आसपास ही रहता है, तो गद्धारों को सबक सिखाने का अभियान सारे देश भर में यहाँ से शुरू होने वाला है। तो गद्धारों का जो सरदार है उसका यहाँ बंदोबस्त करे तो बाकी गद्धारों का बंदोबस्त करना शुरू हो जाता है, और देश भर में गद्धारों का बंदोबस्त करने का अभियान हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि भविष्य में गद्दारों की जमात पैदा नहीं होनी चाहिए, गद्दारों की जड़ खत्म होनी चाहिए। गद्दार का जो आधार है लोगों को गुमराह करने का, वो ख़त्म होना चाहिए। इसका सारा डाटा यहाँ सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ये कैसे गद्दार है। तो इसके लिए 30 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है ऐतिहासिक है, और ये इतिहास में नोंद हो जाएगा। ये बामसेप संगठन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, ये गद्दार कितने असफल रहे? 0000009 के बाद पॉइंट और एक इतना सफल हुए हैं, और फिर लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसमें उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। अभी नोमानी साहब तोड़फोड़ करने के लिए इनका साथ दे रहे थे, मगर अब नोमानी साहब के बीच में और इनके बीच में ही झगड़ा शुरू हो गया है। अब कुमार काड़े ने और भांजी राठौड़ ने मातंग के कहने पर एक लिखित लेटर इशू किया है कि हम नोमानी साहब से सहमत नहीं हैं। तो इसका मतलब है बामसेफ को तोड़फोड़ करने वाले लोगों में ही अब आपस में तूतू मय होना शुरू हो गया है, सहमति नहीं बन रही है आपस में। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से नज़दीक 100 मीटर पर जो बहुजन मुक्ति पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष VL मातंग जी का भी घर है, उनका भी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हम 2024 के बाद बड़े पैमाने पर वामन मेश्राम को छोड़कर हमारे साथ लोग आने वाले, इसमें क्या तथ्य है? अब नहीं आ रहे हैं, ये गारंटी हो गई, इसलिए 2024 का वादा कर रहे हैं। जब लोग आज गद्दार से वाकिफ हो गए तो कल गद्दार के साथ क्यों जाएंगे? उनको जाना है तो खड्डे में या कुएं में गिरेंगे, मगर गद्दार के साथ क्यों जाएंगे? लोग इतने गधे तो है नहीं। 2024 तक अभी ही इनका घूमने फिरने का बंद है। जो गद्दारों का सरदार है वो केवल
वर्चुअल मीटिंग करता है। औरंगाबाद में फिजिकल मीटिंग करने के लिए गया था, हमारा एक वाघबारी आदमी गया था, एक तो एकदम डर गया, क्योंकि उसका नाम वाघमारे है, तो वाघों को मारने वाला उसका पुराना खानदान है, इसलिए वाघमारे हो गया। उसको लगा साला ये तो, मैं तो गिदड़ आदमी हूँ, तो वाघ को मारने वाला आदमी गिदड़ को तो ऐसे ही मार देगा, बहुत डर गया था। मिश्रम जी, एक सवाल है, जो प्रोग्राम 30 जून को प्रोग्राम होने वाला है, इस प्रोग्राम में कितनी संख्या में आपके कार्यकर्ता आने वाले हैं? यहाँ पर सारे गुजरात से लोग आने वाले हैं, सारे कच्छ से लोग आने वाले हैं। पिछला कार्यक्रम हमारा गांधीधाम नहीं हुआ था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम में घर के पास कर रहे हैं, ये इस कार्यक्रम की विशेषता है। और ये कार्यक्रम की विशेषता है कि गद्दारों का बंदोबस्त करने का अभियान सारे देश भर में शुरू कर रहे हैं, और लिस्ट बनाई जा रही है कि लोग गद्दार कहाँ कहाँ रहे थे, उसके घर के आसपास ही कार्यक्रम करेंगे चुनौती देकर, उनके अंदर कितना दम है देखेंगे। हमें एक जानकारी मिली है, जो प्रोग्राम 30 जून को प्रोग्राम होने वाला है, किसी माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट जो कच्छ का है, उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को अनुमति ना दिए जाए, तो क्या सच है, क्या प्रोग्राम नहीं होगा? मैंने जब जेल भरो आंदोलन किया था ना अहमदाबाद में, वहाँ से ये मातंग जो है भाग गया था, तब से गुजरात का जो प्रशासन है वो हमसे पंगा नहीं लेता परमिशन लेने देने के बारे में। हाईकोर्ट में पुलिस के विरोध में मैंने 2 केस दायर किया हुआ है, पुलिस वाले अभी तक जवाब नहीं दे पाए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, मैं तो लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता हूँ, हथियार तो दूसरी बात है। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, किसी के साले के बाप ने दिया हुआ है, हम तो कह सकते हैं हमारे बाप का दिया हुआ है, और हमारे बाप ने तुम्हारे लोगों को भी अधिकार दिया हुआ है जो हमारा विरोध कर रहे हैं। उनका क्या विरोध, नहीं उनका क्या विरोध है इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम ना हो इसके लिए क्या विरोध है? उनका विरोध ये है कि तुम, हम जो गद्दार लोग हैं, गद्दारों के विरोध में लोगों को जागृत करने का काम क्यों कर रहे हो, ये है उनका, गद्दारों को विरोध में लोगों को क्यों जागरूक कर रहे हो? तो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो गुजरात सरकार को चुनौती है, वो हमें अर्ज करे है? हमारा तो ये कहना है कि भाई हम अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनको हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है वो अपना कार्यक्रम करे, अपना बात कहे, हम तो नहीं कह रहे किसी को भाई इनको कार्यक्रम करने के लिए अनुमति ना दिया जाए, नहीं हम कह रहे नहीं, इसके लिए तो हम उनका भी समर्थन करेंगे कि आर्टिकल 19 के तहत अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, प्रचार करना चाहता है, तो उसको अधिकार है, और कोई विरोध करता है तो हम उसका समर्थन करेंगे कि उसका अधिकार है, उसको दिया जाए। नहीं, इसके पहले आपके प्रोग्राम हुए, उस प्रोग्राम में ब्राह्मण समाज की जो संगठन है उसका विरोध, वो विरोध करती थी, अभी माहेश्वरी समाज की संगठन विरोध कर रही है, तो इनका दोनों का बीच का रिश्ता क्या हो सकता है? देखो, ये जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं वो ये माहेश्वरी समाज का नाम ले रहे, माहेश्वरी समाज तो हमारे समर्थन में है, माहेश्वरी समाज तो हमारे समर्थन में है, मेरे पास तो सारे उनके प्रमुखों के ट्रस्ट है, हाँ केवल एक ट्रस्ट है, बाकी सारे लोग तो हमारे साथ है, उनके साथ मिला हुआ है, वो मातंग के साथ मिला हुआ है, उसका लड़का उसके अंदर काम कर रहा है, वो भी उसके कंप्लेन में शामिल है, तो मातंग डरा हुआ है ना इस वजह से कि जरा ये तो काफ़ी बंदोबस्त हो जाएगा। अभी तक तो वो को लोगों ने कहा कि कुमार काड़े को झापड़ मारा है, तो उनको डर लग रहा है साले गेरी घर के पास आकर मेरे को झापड़ झुपड़ तो नहीं मारेंगे, ऐसा लगता है मातंग को, वैसे भगोड़ा आदमी है वो। नहीं, उनका तो आरोप है कि कुमार काड़े को झापड़ आपके लोगों ने मारा है, क्या सच है ये? वो तो ओबीसी के लोग है, ओबीसी के लोगों ने मारा, कुमार काड़े कहता है मैं ओबीसी का हूँ, तो ओबीसी के लोगों का ये कहना है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती का तुम विरोध क्यों कर रहे हो, तुम्हारा झगड़ा बामन मिश्राम के साथ है, करो हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर ओबीसी को, ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा कुमार काड़े जो है वो विरोध क्यों कर रहा है, इसलिए उसको झापड़ मारा, तो हम तो झापड़ मारने के समर्थन में नहीं है, मगर गद्दार को गद्दारी की सजा जो है लोग देना चाहते हैं, अब इसको कैसे रोका जाए,
ये लोगों की भावना है। लोग तो कुछ गद्दार को तो इंडियन पिनल कोड में फांसी की सजा है, ये तो थप्पड़ मारे तो गलत किया उन्होंने। इंडियन पिनल कोड में फांसी की सजा है गद्दार को, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ ये उसका कानून है। तो और कुमार काली की मिसेज सभी सारी को आ रही है, 200 लोग जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए तैयार है। हाँ, उनका सत्कार करेंगे, हाँ उनका सत्कार करने के लिए, पंच पकवानों से सत्कार करने के लिए बहुत सारी महिलाएं और लगभग 200 लोग, 200 कार्यकर्ता उनका आदर सत्कार करने के लिए जा रहे हैं, भुज में जा रहे हैं। पंच पकवान के साथ सत्कार होगा? हाँ, पंच पकवान तो वो जो हमारे संगठन का पैसा लेकर भाग गए थे उस समय मैंने पंच पकवान कहा था कि जो संगठन का पैसा लेकर भाग गए थे उनके लिए पंच पकवान की व्यवस्था किया जाए, जैसे वो प्रदीप अम्बेडकर का भाई है, वो टाटा नगर में है, तो अभी यहाँ से वो कार्यक्रम शुरू होगा। जहाँ जहाँ भी लोग गद्दार है या गद्दार का साथ सहयोग करने वाले, ढूंढ ढूंढ कर लोग उसके बस का बंदोबस्त करेंगे, ढूंढ ढूंढ कर, सूंघ सूंघ कर करेंगे, ये सबक बनाएंगे ऐसा, ये दोबारा गद्दार जो है पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये थे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी, और उन्होंने जो बामसेफ संगठन में बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की और जो लोग इसमें बड़े पैमाने में शामिल है उसके घरों के सामने ये प्रोग्राम, ये पहला एक प्रोग्राम नहीं, तो इसके लगातार प्रोग्राम बाकी जो गद्दार पूरे देश भरे में गद्दारी कर रहे हैं उनके घरों के सामने ऐसे प्रोग्राम लिए जाएंगे और गद्दारी से जागरूक करने का काम, समाज को जागरूक करने का काम करते जाएंगे। आप देखते रहिए MNTV। धन्यवाद।